हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विथ वन मोर वीडियो ऑफ टाटा बोल्ट। ये बहुत ख़तरनाक गाड़ी है। बहुत लोग, अगर आप जैसे कस्टमर किट लगवाना चाहते हैं बोल्ट के अंदर, तो बहुत लोग मना कर देते हैं कि भैया इसके अंदर कामयाब नहीं होगा। तो कस्टमर परेशान है कि एक्चुअली कहाँ से लगवाएं, और इनके मन में एक अप्रिहेंशंस है कि भाई इसके अंदर कामयाब नहीं है तो नहीं लगवाना चाहिए। लेकिन ये बात गलत है। बोल्ट मैंने काफ़ी लगाई है, और बोल्ट केवल डब्बा और सिलेंडर से बोल्ट कामयाब नहीं होता। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ है वो लगने के बाद, जैसे मैंने नेक्सॉन कामयाब कर रखा है, जैसे मैंने आपका टाटा जेस्ट कामयाब कर रखा है, वैसे ही आपकी जो है आपका बोल्ट भी कामयाब है। इसके अंदर देखो, लोगों को एक डर है कि रेवट्रॉन इंजन के अंदर वो CNG कामयाब नहीं है, और बहुत ज़बरदस्त कामयाब है। गाड़ी आप चलाओ बिल्कुल पेट्रोल जैसी है। एवरेज ये लोकल में 18 की देती है 1 किलो गैस में, जो कि 4 रुपये किलोमीटर बैठता है, और हाईवे पे जाओ तो 25+ की एवरेज है, लगभग 3.5-3 रुपये किलोमीटर है। बोल्ट को अगर कामयाब करना है तो वी आर देयर। देखो, जो किट लगाया हमने, किट डजेंट मैटर, अगर खाली किट लगाएंगे तो वो कामयाब नहीं होगा। जो किट लगाया हमने, मोटोजैन का किट लगाया, दिस इज़ BS4, ये आपका रिड्यूसर है, ये आपका ECM है, और ये आपका इंजेक्टर है, और ये आपका फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रही है। देखो, ये डब्बे में आता है। जो बोल्ट को कामयाब करने के लिए जो चीज़ मैंने लगाया है, एक तो मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया, एंड बिलीव मी, आफ्टर पुटिंग डायनेमिक एडवांसर देर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस, इवन द कार इज़ रनिंग बेटर देन पेट्रोल। इसके अंदर मैंने जो वायरिंग किया आपका इंजेक्टर्स का, ये नीचे है, मैं दिखा नहीं पाऊँगा, कपलर टू कपलर वायरिंग है इंजेक्टर्स का। ये चारों इंजेक्टर्स में सॉकेट टू सॉकेट है, कपलर टू कपलर है, ये सारा सॉकेट टू सॉकेट है। तीसरा जो मैंने काम किया इसके अंदर, आपका कूलेंट का कनेक्शन दिया मैंने, ये आप देखो, यहाँ कूलेंट कनेक्शन हैज़ बीन डन। चौथा जो काम किया मैंने इसके अंदर, गैस का फिल्टर लगाया। पांचवा जो मैंने काम किया, आपकी जो ECM से और आपका डायनेमिक एडवांसर से, ये सारा एक स्पायरल ट्यूब में गया है, प्रॉपर स्लीव। अब ये स्लीविंग जो है, कभी भी गाड़ी के हीट से वायर कभी आपस में चिपकेगा नहीं, कभी शॉर्ट सर्किट के चांसेस नहीं होंगे। देखो, इन गाड़ियों में हीट बहुत होता है, और इट शुड बी कवर्ड, द वायर शुड बी कवर्ड, नॉर्मल टेपिंग नहीं चलेगा। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ कार एनर्जी विच वी हैव बीन गिविंग अगेन एंड अगेन टू ईच एंड एवरी कार। इसमें जो सिलेंडर लगाया हमने, 14 kg का सिलेंडर लगाया, आइए दिखाता हूँ मैं, ये है क्या, दिस इज़ टाटा बोल्ट, और इसमें जो सिलेंडर लगाया हमने, 14 kg का सिलेंडर लगाया, और ये सीट फोल्ड करके स्टेपनी आगे से निकलेगा। बोल्ट के अंदर एक ही दिक्कत है, स्पेस का। वो आप अगर स्पेस देख सकते हैं सामान कहीं और रखने का, तो देन यू कैन गो फॉर बोल्ट। 14 kg सिलेंडर, सीट फोल्ड एंड स्टेपनी आगे से निकलेगा, दिस इज़ टाटा बोल्ट। आइए एक बार ट्रायल लेते हैं और देखते हैं गाड़ी कैसी चलती है। आइए, ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। स्टार्ट ये पेट्रोल पे होगी, और ये एक्सेलरेशन लेंगे, ये गैस पे कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज़ इन गैस नाउ, ठीक है। और इसके अंदर आप RPM देखो, आप कहीं भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, RPM अपने जगह स्टेबल है, ज़बरदस्त। अब एक बार ट्रायल लेते हैं और देखते हैं गाड़ी कैसी चलती है। कार इज़ रनिंग ऑन CNG नाउ, मस्त है गाड़ी। गाड़ी के अंदर जो चीज़ लगना चाहिए, मैं एक बार सीट बेल्ट लगा लूँ, गाड़ी के अंदर जो चीज़ लगना चाहिए वो अगर उस गाड़ी में लगे ना, तो रियली CNG इज़ बहुत कामयाब है। देखो, वो दिन गए जब लोग कहते थे कि भाई बाहर से CNG लगवाओगे तो गाड़ी बेकार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव हो गया है, कई चीज़ ऐसी चीज़ है जो हम लगाते हैं किट के अलावा, जो इसको ज़बरदस्त कामयाब करता है। And really, after putting all the accessories, Tata Bolt is highly successful in CNG. This car is running on CNG now. And बिल्कुल मस्त गाड़ी उठ रही है, कोई फर्क नहीं है, कोई बिल्कुल, मतलब 0% कोई फर्क नहीं है। It is as same as petrol. और कई ऐसे गियर में ये आपकी जो है पेट्रोल से भी बेटर है।
So this is Tata Bolt. I advise everyone, go get it installed and but kit koi bhi lagao, Lovato lagao, Motozen lagao, Mizo lagao, koi bhi lagao. But Dynamic Advancer zarur lagao aur fitting wahan se karao jahan se behtar fitting ho. इसका जो पॉइंट है, जो गैस की पॉइंट है, जो मैनिफोल्ड में देते हैं, वो प्रॉपर हो. अब इसमें मैंने होल नहीं किया, जो नेक्सॉन के अंदर बिना होल के इंजन में गैस इनलेट देता हूँ वही किया मैंने इसके अंदर. और इसके अंदर जो MM रखा मैंने निफल का, वो रखा 2.2. आप 2.0 पे भी सेट कर सकते हैं, 2.2 पे और बेटर रहेगा थ्रस्ट, जो इसका पावर है और बेहतर रहेगा. ज़बरदस्त, मतलब RPM अपने जगह स्टेबल है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है RPM का, AC बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सही है. चलो, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू.